जब आप यंत्र बनाते हैं तो उस समय पे कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। यंत्र आप बनाने को एक सफेद पेपर पे भी बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया। तो जो आप सफेद पेपर लेंगे वो एकदम प्लेन होना चाहिए, लाइनों वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप पेपर पे बना रहे हैं तो लाल रंग की स्याही का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसमें रेड मार्कर ले लेते हैं या जेल पेन ले लेते हैं और उससे ड्रॉ करते हैं। फिर दूसरा रहता है भोजपत्र का। भोजपत्र का काफी शुभ माना जाता है और ज्यादातर लोग इसको अपने घरों में रखते भी हैं। भोजपत्र पे जो यंत्र हम बनाते हैं वो हम पेन से नहीं बनाते हैं, हम अनार कलम से बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अनार कलम है क्या। देखिए, वैसे तो अनार कलम आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अनार कलम मार्केट से नहीं ले पा रहे, आपके घर के आसपास कोई अनार का पेड़ है, तो उसकी एक डंडी तोड़ लीजिए और उसे, जैसे ब्लेड होता है ना, ब्लेड से उसकी टिप को थोड़ा सा शार्प कर लीजिए। मतलब एकदम शार्प मत कीजिएगा, क्योंकि भोजपत्र बहुत डेलिकेट होता है, तो उससे होता क्या, जब आप उस पर लिखने की कोशिश करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। तो हमें बनाना किससे है, हमें अनार कलम का इस्तेमाल करना है, यानी कि अनार के पेड़ की एक डंडी लेनी है और उसकी टिप को हमें हल्का सा वो कर लेना है फाइन, के जो हम लिखे वो समझ पाए, वरना वो डंडी से एकदम ब्लंट लिखा आएगा तो आप किसी को देंगे वो खुद देखकर ही सोचेगा कि यार नौसिखिया है, इसको ढंग से लिखना नहीं आता। तो कुछ बातें इस प्रकार से भी हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो वरना जहां पे पूजा का सामान जहां पे भी मिलता है वहां आपको अनार कलम मिल जाएगी। फिर उसके अलावा जो इसमें हम इंक यूज करते हैं वो हम करते हैं अष्टगंध इंक। अष्टगंध का पाउडर भी मिलता है, इंक भी मिलती है और वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, यंत्र बनाने में अगर आप देखें एक बारी में आप बैठते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 ड्रॉप्स में काफी सारे यंत्र बन जाते हैं। तो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, रेमेडी काफी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें मेन जो लग रहे हैं वो आपके एफर्ट्स, आपकी इंटेंशन और आपकी एनर्जी लग रही है। फिर इनको बनाने के कुछ दिन नियमित हैं, कुछ दिन ऐसे हैं जब हम देखकर इन्हें बनाते हैं। और जैसे आप इन्हें होली, दिवाली, शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष के सेकेंड डे से लेके पूर्णिमा तक बना सकते हैं, पूर्णिमा की रात को आप बना सकते हैं। कृष्ण पक्ष में अगर आप बना रहे हैं तो 1 से 5वें दिन तक बना सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और भी ऑस्पिशियस डेज होते हैं, जिसमें आते हैं आपके गुप्त नवरात्रे आते हैं, उस दिन बना सकते हैं। नवरात्रों में तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है, तो यंत्र भी आप आसानी से बना सकते हैं। यंत्र बनाने से पहले हमें 2-3 चीजें करनी होती हैं। पहला होता है कि एक मंत्र दिया होता है, आपको उस मंत्र को चैंट करना होता है। आप रिसाइट करते हैं उस मंत्र को, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी देवी देवता हैं, आप उनका ध्यान करते हैं और फिर पूरा कंसंट्रेट करके फिर आप बनाना शुरू करते हैं। इस दौरान आप एक दीपक जलाते हैं जो कि घी का होता है, और आप चाहे तो धूप या अगरबत्ती, दोनों में से कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका यंत्र बन के तैयार हो जाए तो ये आपके ऊपर है। वैसे जनरली जितने लोगों को मैं देती हूँ, मैं हमेशा लैमिनेट करा के देती हूँ, बिकॉज भोजपत्र बहुत डेलिकेट होता है तो वो फिर डैमेज हो सकता है। तो भोजपत्र पे जैसे आपने बना लिया, आपने इसको लैमिनेट करा दिया, अब सपोज जैसे ये मैंने भी बना लिया है, लेकिन जिनके लिए बनाया है वो वीकेंड पे कलेक्ट करने आएंगे, तो तब तक मेरा क्या इसमें सहयोग रहेगा, वो यही रहेगा कि जिनके लिए भी बनाया है, जब मैं रोज पूजा अर्चना करूं
तो मैं इनको धूप दीपक जरूर दिखाऊं जब तक मैं उनको हैंडओवर ना कर दूं, और जब मैं उनको ये यंत्र दे दूंगी उसके बाद इस यंत्र को वो भी इसी प्रकार धूप और दीपक दिखाएं। ये इसका तरीका होता है। यंत्र को आप डेली इसी प्रकार से वर्शिप करते हैं धूप दीपक दिखा के, और जो भी इनसे एसोसिएटेड मंत्र हैं वो चैंट करने होते हैं। वो मिनिमम चैंट कर सकते हैं आप, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके यंत्र एक्टिवेटेड भी रहेंगे और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो यंत्र के बारे में था कि आप यंत्र किस प्रकार से बना सकते हैं और आपको कौन कौन से यंत्र मैं कराऊंगी, यंत्र होता क्या है और डूज एंड डोंट्स क्या है यंत्र के।